जय हिंद, स्वागत है आपका एक और नए दिन में। हम हैं कुल्लूमाले मालदीव्स में। आज हमारा यहाँ पर आखिरी दिन है और हम यहाँ से चेकआउट करके वापसी अपना इंडिया आ जाएंगे। और आज जो हमने टूर बुक किया है वो किया है माले सिटी टूर, वो भी हमने पॉइंट इन होटल से बुक करवाया है और $10 पर पर्सन उसका चार्ज है। तो हम दो तीन लोग जाएंगे, अभी शायद पूजा जी नहीं जा पाए क्योंकि मन्नी सोया हुआ है, वो नहीं उठ पाया। तो पूजा जी और मन्नी रुकेंगे, मैं, यश और शायद सलमान भाई हमारे जो कराची वाले थे वो हमारे साथ जाएंगे। तो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद माले सिटी की तरफ चलेंगे। ब्रेकफास्ट टेबल पे आ चुका है और कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट है। यहाँ पर लगभग सभी होटल्स में यही ऑप्शन मिलता है कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट का, लेकिन पॉइंट इन होटल की एक खासियत है कि अगर आपको फूड और भी चाहिए तो आप बोलेंगे तो ये लोग दे देते हैं। ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी सलमान भाई का हम वेट कर रहे हैं और टैक्सी का वेट कर रहे हैं जो टूर ऑपरेटर हमें लेके जाएंगे। फ़िलहाल यहाँ पे मालदीव्स में मैंने ये देखा कि ये कल्चर है कि चाय वगैरह पी रहे होते हैं लोग, तो चाय या कॉफ़ी के साथ ये सुपारी, लौंग, पत्ता, ये क्या है, हुनी। इनका क्या स्वाद आता है चाय के साथ? How do you eat this with tea? Not with tea. After tea, पता नहीं भाई, ये मिश्रण होता है इनके पास। हर कॉफ़ी शॉप पे, हर होटल में, हर जगह जहाँ भी टेबल लगी है और चाय या कॉफ़ी चल रही है तो ये सुपारी वगैरह साथ में खाते रहते हैं लोग। थैंक यू सो मच। अगर आप वेजिटेरियन हैं और आपको इंडियन फूड चाहिए तो पॉइंट इन होटल में इंडियन फूड ऑर्डर किया जा सकता है। वैसे जो मालदीवियंस हैं उनका खाना सुबह कुछ इस तरह का है, रोटी एंड व्हाट इज़ दिस, दिस एग और व्हाट इज़ दिस, रोशी एंड मसूरी। तो भाई रोशी एंड मसूरी है और कॉफ़ी, एक भाई ने कोल्ड कॉफ़ी ली है और एक ने हॉट कॉफ़ी ले रखी है। बाकी चपाती भी है, कुछ चपाती टाइप की भी खाते रहते हैं। और ये रोशी और मसूती जो भी था ये ज़रूर खा रहे होते हैं और बाकी वही सुपारी और चाय। तो मॉर्निंग में ज़्यादातर टेबल्स पे मैंने यही ब्रेकफास्ट लगा देखा है जो लोकल मालदीवियंस खा रहे होते हैं। सिटी टूर के लिए एक कार आ गई है हमें लेने और अब हम जा रहे हैं माले सिटी को देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट इज योर गुड नेम ब्रदर? अहमद। तो हमारे साथ हैं अहमद भाई, यान भाई अपने, सलमान भाई कराची वाले और हमारे यश भाई दिल्ली वाले। चले जी माले सिटी घूमते हैं। कितना डिस्टेंस होगा माले का यहाँ से? 2 किलोमीटर। फिर मैं शीशा ना देखूँ? ठीक है, टूट जाएगा शीशा, टूट जाएगा। माले सिटी जाने के लिए कुल्लू माले से बस भी जाती है और टैक्सी भी जाती है। टैक्सी का फिक्स फेयर है 75 रुपया जो मालदीवियन करेंसी है और बस का फेयर है 10 रुपया पर साइड। लेकिन बस पर जाने के लिए आपको कार्ड बनवाना पड़ेगा जो कि नॉन रिफंडेबल है और उस कार्ड की कीमत है 20 रुपया। और उसमें आपको जो भी मनी डलवानी है अपने जहाँ भी जाना है आपको उसके हिसाब से एक बार के लिए 10 रुपया उसमें डिडक्ट होता है अगर आपको जहाँ भी जाना है बस में बैठ के। तो लोकल ट्रांसपोर्ट के ये दो साधन हैं यहाँ पर, बस और टैक्सी। टैक्सी के फिक्स फेयर हैं हर जगह जाने के लिए, तो वो एक अच्छी बात है। और टैक्सी बहुत इजीली मिल जाती है यहाँ पर कुल्लू माले में। सीट बेल्ट का कोई ज़रूरत नहीं है? पहले कुल्लू माले से माले जाने के लिए सिर्फ फेरी का यूज़ होता था, लेकिन 2018 में यहाँ पर ये ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ जो ब्रिज कुल्लू माले को माले से जोड़ता है। और इस ब्रिज द्वारा अब टैक्सी या टू व्हीलर से भी कुल्लू माले से माले जाया जा सकता है। माले शहर रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स की राजधानी है और दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक है, जहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 2,25,000 है और कुल क्षेत्रफल लगभग 9 स्क्वायर किलोमीटर है।
मालदीव्स की जनसंख्या का एक तिहाई हिस्सा माले सिटी में ही रहता है। मालदीव्स कंट्री का नाम भी इस माले शहर के नाम पर रखा है, जिसका अर्थ है माले के द्वीप या द्वीपों की माला। हम अपने पहले स्टॉप पर उतरे हैं, जो है आर्टिफिशियल बीच, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर वो चीज़ माले की दिखा सकूं जो आप गूगल में सर्च करें कि प्लेसेस टू विजिट इन माले, और जो भी आप सर्च इंजन में डालेंगे तो वो सारी जगहें आपको दिखा सकूं। ये अपनी कोशिश रहेगी आज इस टूर में। तो देखते हैं पहले माले का आर्टिफिशियल बीच, और ये सारी गाइडेंस हमें यान भाई दे रहे हैं। यान भाई हमारे साथ हैं एज अ गाइड, कल भी ये हमारे साथ थे एडवेंचर टूर पे, और स्नॉर्कलिंग का जो लेसन इन्होंने दिया था और जो स्नॉर्कलिंग का एक्सपीरियंस मुझे दिया था, इनकी वजह से ही मिला, इनकी वजह से ही मुझे हिम्मत हो पाई वो डीप वाटर में और समुंदर में जाने की, और वो एक अलग एक्सपीरियंस था। जब भी आप आए स्नॉर्कलिंग जरूर करनी है यार, कमाल की दुनिया बसती है अंदर। तो चलो पहले देखते हैं आर्टिफिशियल बीच को। बिल्कुल छोटा सा बीच है ये आर्टिफिशियल बीच, और यहाँ पर भी ड्रेस कोड का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकनी वगैरह में यहाँ पर नहीं नहाया जा सकता, और ड्रेस थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि माले जो है मालदीव्स की कैपिटल है, और मालदीव्स जैसे कि आप जानते हैं एक मुस्लिम नेशन है, और हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए जहाँ भी हम जाएँ उस कल्चर की। और बिल्कुल सही बोला क्या भाई? बिल्कुल सही। आप ध्यान नहीं दे रहे मेरे पे, देख लो भाई, इनका ध्यान रखना है, मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं? सही कह रहा। ठीक है, आज ये मेरे गाइड हैं, ये बता रहे हैं मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। माले में बाहर बारिश होने लग गई है, और हम आर्टिफिशियल बीच देखने के बाद कार में आ चुके हैं, जा रहे हैं किसी अगले डेस्टिनेशन। हम अभी खड़े हैं माले फेरी टर्मिनल पर, जो कि आर्टिफिशियल बीच के बिल्कुल पास में ही है, और यहाँ से एयरपोर्ट के लिए फेरीज जाती हैं। एयरपोर्ट जो है वो हुलू माले आइलैंड पे है, और ये माले कैपिटल वहाँ से अलग है। तो माले से हुलू माले जाने के लिए या एयरपोर्ट पर जाने के लिए फेरी का भी यूज़ किया जा सकता है, और इस फेरी का जो फेयर है वो 10 रुपया पर पर्सन पर रूट पर साइट है। मालदीव्स जो है वो एक आइलैंड नेशन है, तो यहाँ पर कभी भी बारिश हो सकती है, और जो ये सारी फेरीज खड़ी हैं या बोट कह लीजिए इनको, ये सारी बोट हुलू माले आइलैंड पे जाती हैं जहाँ पर एयरपोर्ट है। चलो भाई, चलो भाई, चलो अहमद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, चलो भाई। तो फोन पर है, आई एम सब्सक्राइबिंग योर चैनल। अरे अहमद भाई कमाल ही कर दिया तुमने तो भाई, मैं पास हो गया, अहमद भाई ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। और आप में से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये शायद मैं पहली बार अपने मुंह से बोल रहा हूँ बात वीडियो पे आके कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे यश भाई दिल्ली वाले हमेशा बोलते हैं कि आप बोला करो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो कर देना भाई चैनल सब्सक्राइब, कृपा होगी आपकी अति अति। हम इस वक्त खड़े हैं माले के जमहूरी मैदान पे, जो कि एक स्क्वायर है, और उसके आसपास कुछ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं। इस्लामिक सेंटर है यहाँ पर मेरे लेफ्ट में, और राइट में पुलिस हेडक्वार्टर है, सामने बीच फ्रंट है। तो शाम को जो है यहाँ पर पब्लिक आती है, जो लोकल लोग हैं वो यहाँ आते हैं बच्चों को लेकर और इन्जॉय करते हैं। काफ़ी खूबसूरत जगह है, खूबसूरत नज़ारा है, और जब मौसम अच्छा होता होगा तो यहाँ का जो एटमोसफियर है वो भी बहुत अच्छा हो जाता होगा। और हमारे भाई बिल्कुल पोज देते हुए, यान भाई कमाल लग रहे हो, मैं गाइड लग रहा हूँ, यान भाई हमारे गेस्ट लग रहे हैं। यान भाई घुमा कौन किसको रहा है, आप मुझे मैं आपको? अरे यार मैं तो घुमा रहा हूँ आपको। अच्छा अच्छा मैं बता। अरे भाई कहाँ चले गए यार, आप ध्यान नहीं दे रहे मेरी तरफ, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। आपने कहा कि आप फोन में लगे हुए हैं, ठीक है। जमहूरी ये डार्लिंग आदमी है, कराची वाले अपने भाई सलमान। माले के इस्लामिक सेंटर के साथ से होते हुए हम जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं उनको देखने। हम इस वक्त खड़े हैं माले के 3 नवंबर मॉन्यूमेंट पर, और हमें यान भाई बताएंगे इस मॉन्यूमेंट के बारे में। Alright, so this called 3rd November 1988, one attack was here from Sri Lankan Tamil Tigers. So as you can see on my behind, this was an attack given to blast the ball, but it didn't blast luckily, alhamdulillah.
So it has been made at one monument for there to show that Allah has protected us. So this monument is about that. अब हमें सलमान भाई बताएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं, बताओ सलमान भाई। अभी हम खड़े में हैं सुल्तान पार्क पे। ये वैसे तो ओपन होता है लेकिन आजकल क्योंकि कोविड की SOPs की वजह से इसको बंद किया हुआ है, तो हम अभी अंदर नहीं जा पाएंगे। लेकिन वैसे बाहर से बहुत खूबसूरत लग रहा है और उम्मीद है कि अंदर से भी इतना खूबसूरत होगा। शुक्रिया। कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। मतलब कि कराची के ब्लॉग देखा करेंगे हम आपके। हैं भाई, एक ही दिन में ब्लॉगर बन गए, अपने कमाल कर दिया। टैलेंटेड आदमी है भाई, हम तो सीख रहे हैं। अरे अरे, टैलेंटेड आदमी है, डार्लिंग आदमी है। तो ये सुल्तान पार्क है, अभी बंद है कोविड की वजह से, और बाहर से देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और मैंने ऐसा सुना है कि अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। और हमारे यान भाई भी बता रहे हैं कि अंदर से बहुत ही खूबसूरत एक पार्क है। तो बाहर से देखने में आपको भी दिख रहा होगा थोड़ा सा इसका मुखौटा कितना सुंदर है, और अंदर से भी ये बहुत ही सुंदर एक पार्क है। तो कभी भी आप माले आए तो यहाँ पर आराम से टाइम गुजारा जा सकता है इस पार्क में। माशाल्लाह, दोनों भाई बहुत अच्छे बोले। जबरदस्त। जो भी लोग अभी यहाँ पर आ रहे हैं इन मॉन्यूमेंट्स वगैरह को देखने के लिए, उनके साथ एक गाइड है हमेशा। और अगर आप भी यहाँ माले आ रहे हैं तो गाइड के द्वारा आप अपना टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि माले ज़्यादातर लोग रुकते हैं सिर्फ ट्रांजिट के लिए, अगर उनकी एक आध दिन आगे पीछे की फ़्लाइट होती है इस वजह से। और आप एक गाइड ले कर अपना टाइम बचा सकते हैं। ऐसे ही हमारे गाइड साहब हैं यान भाई, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत ही अच्छे आदमी हैं और हिंदी भी जानते हैं, और सारा एरिया ये जानते हैं। बाय फुट आपको घुमा देंगे इस एरिया में, और आपका टाइम काफ़ी बच सकता है। जमहूरियत मैदान के बिल्कुल पीछे ही ये एक स्ट्रीट है जिसे सुवेनियर स्ट्रीट भी कहते हैं, और इसको यहाँ लोकल चांदनी मग्गो कहते हैं। मग्गो होता है स्ट्रीट का नाम, मतलब चांदनी स्ट्रीट समझ लीजिए आप। यहाँ पर सुवेनियर्स की शॉप है, अगर आपको मालदीव्स के सुवेनियर्स चाहिए तो यहाँ पर लिए जा सकते हैं, और मनी एक्सचेंज की भी बहुत सारी दुकानें हैं। तो चलिए मनी एक्सचेंज का भी रेट एक बार पता कर लेते हैं कि $1 का कितना एक्सचेंज रेट है यहाँ पर मालदीवियन रुपया में। सुवेनियर शॉप में ही यहाँ पर मनी एक्सचेंज की भी शॉप है, मनी एक्सचेंज काउंटर है, लेकिन पूछने का मौका ही नहीं दिया इन्होंने, बाहर ही रेट लगा रखे हैं। USD सेलिंग रेट 15.42 MBR, USD बाइंग रेट 15.32 MBR। तो पूछने का कोई मौका ही नहीं दिया इन्होंने, पहले ही लगा रखे हैं। तो नॉर्मली लोग यहाँ से USD लेकर ही आते हैं और चेंज करवाते हैं, इसीलिए ओनली USD के इन्होंने रेट लगाए हुए हैं। वैसे कोई भी करेंसी जैसे कि पाउंड, यूरो, वो सब भी यहाँ पर एक्सचेंज की जा सकती हैं। पाकिस्तानी और इंडियन भी हो सकती है क्या भाई? सलमान भाई बताएंगे। रियाल पूछे, इंडियन रुपया, इंडियन रुपया जो हमारा है उससे भी आप यहाँ पर मालदीवियन रुपया ले सकते हैं, और पाकिस्तानी से और रियाल। सलमान भाई, रियाल सलमान भाई बात बनी नहीं, पाकिस्तानी से नहीं ले सकते। इमरान खान साहब, ये एक सुवेनियर शॉप है और हम देखने जा रहे हैं सुवेनियर शॉप को भी यहाँ पर माले की चांदनी मग्गो में, चांदनी स्ट्रीट का। काफ़ी अच्छी सुवेनियर शॉप है ये, काफ़ी वैरायटीज़ हैं यहाँ पर सुवेनियर, अगर आपको लेना हो अपने लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए। काफ़ी अच्छी शॉप है, काफ़ी वैरायटी है, और हम तो ऑलवेज़ अपनी फ्रिज मैग्नेट ज़रूर लेंगे। वैसे एक ले चुका हूँ मैं, लेकिन यहाँ भी काफ़ी अच्छी मैग्नेट के ऑप्शंस है, तो यहाँ भी देख लेते हैं, वैरायटी बहुत सारी है। हमने इस सुवेनियर शॉप से दो मैग्नेट ले लिए हैं, एक हमारे प्यारे सलमान भाई के लिए, लेकिन एक ही 500 की थी और एक ही 100 की थी, तो सलमान भाई को 500 की दे देते हैं। लो सलमान भाई, ये हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बड़े तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हाल कर दिए, पूरे ब्लॉगरों की तरह बोल रहे हैं, आप मेरी तरफ देख के बोल रहे हो। इसका भी क्या शुक्रिया, इनको पैसे दे दें कहीं हमें गिफ्ट दे दें। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। सुवेनियर शॉप से हम बाहर आ गए हैं, और चांदनी मग्गो पे जाते हुए ही यहाँ पर मालदीव्स का जो नेशनल म्यूजियम वो है, मेरे पीछे है मालदीव्स का नेशनल म्यूजियम, जो कि कोविड की वजह से अभी टेम्परेरी क्लोज्ड है। जब ये पहले ओपन हुआ करता था तो 100 रुपया यहाँ की फ़ीस थी, एंट्री फीस पर पर्सन।
मेरे पीछे है मालदीव्स की पार्लियामेंट, जिसको पीपल्स मजलिस कहते हैं, और एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है ये जो पार्लियामेंट की है, बिल्कुल माले सिटी के बीचों बीच है और बहुत ही कंजस्टेड सा एरिया है, लेकिन जो बिल्डिंग है वो काफ़ी खूबसूरत है। मेरे पीछे जो गेट है वो मालदीव्स के प्रेसिडेंट साहब का ऑफिशियल रेजिडेंस है, जिसको मूली आगे कहते हैं, और अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग है। प्रेसिडेंट हाउस के बिल्कुल सामने है ये फ्राइडे मॉस्क, जो अभी भी वर्किंग है, और ये बहुत ही हिस्टोरिकल मॉस्क है। यहाँ पर अंदर मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैंने शॉर्ट्स पहने हैं, लेकिन यान भाई अंदर जाके वीडियो बना लाए हैं, तो हम लोग वीडियो के द्वारा इसको देख लेंगे। बाहर इस वक्त काफ़ी गर्मी हो गई है, दिन में दिन के बजे हैं 11:15 अभी, और अगर आप आ रहे हैं तो 4 बजे के बाद पैदल घूमने का मौसम बन जाता है। अभी तो इस वक्त दोपहर में काफ़ी गर्मी हो गई है, और 12 महीने यहाँ पर एक सा ही मौसम रहता है मालदीव्स में, बस मई जून के बाद थोड़ी सी बारिशें पड़ने लगती हैं, और कभी पड़ती है कभी बंद हो जाती है, थोड़ी थोड़ी देर शावर से होते रहते हैं। हमारे पीछे है माले में बना हुआ मालदीव्स का सुनामी मॉन्यूमेंट, जो कि 2004 में जब सुनामी आई थी उसमें जो लोग गुजर गए थे या हताहत हुए थे उनकी याद में बनाया गया एक मॉन्यूमेंट है। बहुत ही एक खूबसूरत जगह है, इसके सामने जो है जो सी साइड जो दिख रही है वो बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे ओशन का व्यू बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। अब चलते हैं यहाँ से, और दुआ करते हैं कि जो भी परिवार इस सुनामी में हताहत हुए थे, भगवान उनके परिवारों को हमेशा खुश रखे, हमेशा सलामत रखे, और कभी भी दुनिया पे सुनामी जैसी और ये कोरोना वायरस जैसी विपदाएं ना आए। अभी हम आ गए हैं माले के रसफंडू बीच पर, जो कि माले का एक पब्लिक बीच है, तो चलिए देखते हैं रसफंडू बीच। मालदीव्स में कहीं भी डॉग नहीं है, किसी ने भी नहीं पाला हुआ डॉग, और यहाँ बिल्लियाँ तो आम दिख रही हैं, मुर्गे भी थे बिल्लियाँ भी थी, लेकिन डॉग नहीं है। केवल पुलिस के पास डॉग हैं, और वो भी यान भाई ने बताया कि 10 डॉग थे, अभी एक गुजर गया है तो 9 शायद रह गए हैं डॉग, और डॉग नहीं है कहीं भी, और भी कोई मैंने गाय भी नहीं देखी, कोई भी कुछ भी तरह का जानवर कहीं नहीं देखा, ना रोड्स पे ना किसी ने पाला हुआ है। बिल्लियाँ भी जो हैं वो भी रोड्स पे दिख रही हैं, बाकी पालतू कोई जानवर नहीं देखा। कोई पालते हो आप लोग जानवर? कुछ बर्ड्स, बर्ड्स तो ये पैरट्स, मकाऊ और फिश वगैरह, टैंक वगैरह का यहाँ पर सामान मिल रहा था। तो यहाँ पर बिल्लियाँ, मछलियाँ और पक्षी पाले जाते हैं, उसके अलावा कोई और जानवर नहीं पाला जाता। डॉग्स यहाँ पर नहीं है, और भी किसी तरह का कोई जानवर यहाँ पर नहीं है।